everyone, welcome back to my channel. My name is Paromita and this is Paromita's Delight. So aaj main lekar aayi hu ek winter related vlog jo ki related hoga health, fitness and weight loss related. So चलिए मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि मैं व्लॉग में क्या मतलब टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ. वो सारी चीज़ें मतलब मैं ओवरव्यू देना स्टार्ट करती हूँ. एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे भी टैप करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें. और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी टिप्स एंड ट्रैवल, टूर एंड यू नो होम व्लॉग्स एंड इनके जो भी अपडेट्स हैं, अगर आप न्यू न्यू वीडियोज़ मुझसे चाहते हैं तो बेल आइकन टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो. सो फर्स्ट उसके लिए मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी एक चीज़. जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे एक लास्ट व्लॉग में एक विंटर रिलेटेड 5 टिप्स वाला मैंने व्लॉग दिया था वेट लॉस के ऊपर. तो उस पर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपना BMI काउंट कर सकते हैं एंड किस तरीके से आपको अपना वेट मेंटेन रखना है, क्या वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी. सो आज मैं उसी टॉपिक से एक टॉपिक ले रही हूँ और उस पर मैं बताऊँगी आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ. जैसे उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपना वेट मेंटेन करके रखना पसंद करती हूँ टिल 60 kgs और लेस देन दैट. और अगर उससे एक या डेढ़ kg बढ़ भी जाता है तो मैं बहुत जल्दी उसे मेंटेन करके वापस से 60 में लेके आती हूँ. यार मुझे पूरी ज़िंदगी भर बोरिंग खाना नहीं खाना है और यू नो बॉयल सब्जियाँ एंड सूप वगैरह खा के मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है. एंड आई श्योर आपको भी ऐसा नहीं करना है. लेकिन अगर आपको नॉर्मल खाना और टेस्टी खाना खाते हुए अपना वेट लॉस करना है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना. बिकॉज वो सबसे मतलब वो सीढ़ी है आपके वेट लॉस स्टार्ट करने की. पहले ऐसा होता था कि मैं जिम वगैरह जाया करती थी और वॉकिंग वगैरह पहले भी किया करती थी लेकिन मैं जंक खाती थी और मैं उतना हेल्दी फूड नहीं खा पाती थी बिकॉज घर से दूर थी जब मैं पुणे में जॉब करती थी और मैं जस्ट हॉस्टल में रहती थी. तो घर में जब आप नहीं रहते हो ना तो आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए. जैसे कुछ सब्जियाँ दालें आपको रेगुलरली खानी चाहिए वो हम नहीं खा पाते हैं तो हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाता है. तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. बिकॉज एज आई सेड इन माई ऑल माई वीडियोज़ की 80% 90% इज़ योर फूड एंड 10% और 20% इज़ योर एक्सरसाइज. सो मेन थिंग तो आपका फूड ही है. जब तक आप फूड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं करोगे तब तक आपका वेट लॉस में कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते हो. सो उसके लिए भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना. तो मेटाबॉलिज्म भी आप तभी इंक्रीज कर सकते हो जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लोगे, डिटॉक्स ड्रिंक लोगे. बिकॉज मैंने आपको उस वाले वेट लॉस वीडियो में भी बताया था कि डिटॉक्स ड्रिंक हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आपको 3 डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में और उनकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी. सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अभी बीच में मैं तिरुपति गई थी, तिरुपति पौंडीचेरी. अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ ऊपर आई कार्ड में देखिए, वहाँ पर आपको ब्लॉग्स का डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो. बहुत क्यूट क्यूट ब्लॉग है और मैंने उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. सो मैं गई हुई थी. तो बाहर जाते हैं तो बाहर तो ऑफकोर्स जंक या फिर बाहर का जो खाना है वो बहुत टाइम पे सूट भी नहीं करता है तो वेट वैसे ही बढ़ जाता है. सो मैं जब यहाँ से गई, मतलब जब मैं हैदराबाद से तिरुपति गई और जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो यू कैन से 3 days फ्रॉम हेयर एंड देन 3 days आफ्टर दैट बिकॉज मेरे घर वाले भी थे तो 3+3 6 days में मैंने कुछ भी डाइट नहीं किया एंड जंक ऑयली स्वीट एवरीथिंग वॉज देयर बहुत अच्छे से. बिकॉज घर से आते हैं मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा स्वीट्स लेके आते हैं. बिकॉज मेरे घर पे मेरे ससुराल वालों को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और बनारस के स्वीट्स तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ व्लॉग्स में कि कितना ज़्यादा फेमस है. सो वो लेकर आते हैं स्वीट्स तो वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है. सो या आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्मली ऐसे 1-2 week लगातार स्वीट्स या फ्राइड चीज़ें खाओगे तो वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है. बट जब आप अपना मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट कर लेते हो और जब आप बहुत टाइम से हेल्दी फूड खाते आ रहे हो, अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड खाते आ रहे हो
तो आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी वेट गेन नहीं करते हो। तो मैं जब यहाँ से गई थी तो मेरा वेट था 59.5 और उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ तो मेरा वेट हुआ 61 kg। सो पहले ऐसा कभी नहीं होता था यार, पहले मैं ऐसे कर लेती थी तो मेरे 3.5 kg तो बढ़ ही जाता था, बट अब मेरा मैक्सिमम 1 to 1.5 to 2 kg तक मेरा मैक्सिमम बढ़ता है अगर मैं बहुत अच्छे से जंक फ्राइड मीठा सब खा रही हूँ तो। सो दिस इज़ बिकॉज कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का बहुत अच्छा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट हो चुका है कि आप बहुत जल्दी वेट गेन नहीं कर रहे हो। तो उस पॉइंट पर, उस लेवल तक आने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक आपको एक बहुत लंबे टाइम से अगर आप हेल्दी फूड ले रहे हो, सिर्फ आप कुछ ओकेजन्स पे या इस तरह की आउटिंग्स पे ही जंक या ऑयली या स्वीट चीज़ें ले रहे हो तो ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो पाएगा। और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है आपका डिटॉक्स ड्रिंक। मैं डिटॉक्स ड्रिंक, जितना मुझे याद है, मैं टू ईयर्स से मैं अपना ये डिटॉक्स ड्रिंक ले रही हूँ। सो इस वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा इंक्रीज हो पाया है, इतना बूस्ट हो पाया है। सो चलिए फटाफट टेलेटा करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक हम किस तरीके से बना सकते हैं। सो डिटॉक्स ड्रिंक नंबर 1 इज लेमन हनी एंड ल्यूक वॉर्म वाटर, जो कि मैं आपको हमेशा ही बोलती रहती हूँ कि आप थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, उसमें एक लेमन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाफ लेमन स्क्वीज करिए और उसमें हाफ टी स्पून हनी मिलाइए और फिर आप उसको पीजिए। एम्प्टी स्टमक आपको वो पीना है एंड उसको पीने के हाफ एन आवर 40 मिनट्स के बाद ही आपको कुछ भी खाना है। आप पानी पी सकते हो बट खाना आपको उसके बाद ही, अगर कुछ भी खाते हो, लाइक आप नट्स खा रहे हो, आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपको उस ड्रिंक के लेने के 40 मिनट्स बाद ही करना है। आप उसको लोगे हर दिन और उसके बाद ही आप तुरंत ब्रेकफास्ट या खाना खा लोगे और उसके बाद में ऐसा शिकायत करोगे कि यार मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट ड्रिंक और इसकी रेसिपी है। Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place, a place where you'll make them just be alone. गई हूँ मेरे सेकेंड डिटॉक्स ड्रिंक के साथ। जो सेकेंड डिटॉक्स ड्रिंक है मेरा वो है जिंजर वाटर या जिंजर टी। अगर आप ऐसे टी लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप जिंजर वाटर की तरह लेना चाहते हैं जैसे मैं लेती हूँ वैसे भी ठीक है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आप प्लीज फटाफट रेसिपी देख लीजिए। We can be alone. All those lies.
टाइम फॉर द थर्ड डिटॉक्स ड्रिंक जो कि मैं अपने हस्बैंड को पिलाती हूँ बिकॉज उसको ग्रीन टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और जिन लोगों को ग्रीन टी नहीं पसंद है उनके लिए ये मतलब उनके लिए ही ये डिटॉक्स ड्रिंक है यार. तो प्लीज़ आप इसकी रेसिपी भी फटाफट देख लीजिए. सो आई होप आपको ये तीनों रेसिपीज बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी. और आप प्लीज़ ध्यान रखिए डिटॉक्स ड्रिंक को लेने के 40 मिनट्स बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना है. आप कुछ भी खाते हो तो आपको 40 मिनट्स के बाद ही खाना है. और आपको इसको रेगुलरली लेना है. रेगुलरली एज इन आपको वीकेंड को भी नहीं छोड़ना है. जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि मैं वीकेंड पे भले ही कोई डाइट नहीं करती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, पूड़ी पराठा राइस एनीथिंग आई एम हैविंग, बट मैं डिटॉक्स ड्रिंक को कभी भी माइनस नहीं करती हूँ चाहे मेरा कितना भी डाइट शेड्यूल हो. मैं सुबह उठ के वो डिटॉक्स ड्रिंक खाली पेट लेती हूँ और उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल स्किप मत करिए. और ऐसा नहीं है कि आप सैटरडे संडे छोड़ दे रहे हैं या किसी किसी दिन भूल जा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि यार मैं तो 2 साल से पी रही हूँ, मैं तो 1 महीने से पी रही हूँ, फिर मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट क्यों नहीं हुआ. टेक्स टाइम गाइज, आपको पता है हर चीज़ में टाइम लगता है. तो आपको अच्छे से अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए रेगुलरली आपको वो ड्रिंक लेना होगा. उसके बाद ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आप में भी वो वाली पावर आ जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा जंक वगैरह खाने के बाद भी आपका वेट एनॉर्मसली नहीं बढ़ेगा. सो हर कोई मेंटेन करना चाहता है अपने वेट को, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए. और 4 लीटर्स ऑफ वाटर, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ. खाना पीना एक्सरसाइज सब कुछ हो गया, लेकिन 4 लीटर वाटर अगर आप नहीं पीते हो तो कुछ भी नहीं होने वाला. 4 लीटर्स वाटर आपको लेना ही लेना है. इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे अभी विंटर का टाइम है, लोगों के उठने का मन नहीं करता है, बट आप प्लीज़ अपनी एक बहुत अच्छी हैबिट बना सकते हैं ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी कि सुबह उठिए. सुबह जितनी सुबह आप उठ सकते हैं उतनी सुबह उठिए. लाइक जैसे आज मैं उठी हूँ, आज मैं 6 o'clock उठ गई हूँ. सो इस तरीके से सुबह उठिए और सुबह उठ के ही आप जाइए, बिकॉज ये सब लोग बोलते हैं कि सुबह के एक्सरसाइज की बात ही कुछ और होती है, बिकॉज उस टाइम आप में जो फ्रेशनेस जो एनर्जी होती है ना वर्कआउट के लिए, वो आपको शाम के टाइम पे उतनी एनर्जी नहीं हो पाती है. आप खुद ही ऐसा फील कर सकते हो. तो प्लीज़ सुबह उठिए, डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए, उसके बाद में जाइए आप एक्सरसाइज करिए या फिर 40 मिनट्स रुक जाइए थोड़ा डिटॉक्स ड्रिंक के बाद में, थोड़ा योगा कर लीजिए, लाइक दैट, जैसा भी आपको सही लगे. जैसे मैं सुबह वर्कआउट से पहले या वॉक से पहले कुछ भी खाना पसंद नहीं करती हूँ. मैं अपने डिटॉक्स ड्रिंक के 1 या 2 आवर के बाद में ही कुछ ब्रेकफास्ट करती हूँ. मैं इन बिटवीन कुछ नहीं खाती हूँ, बट दैट इज़ रॉन्ग आई नो, बिकॉज अगर आपको वेट लॉस करना है और वेट मेंटेन करना है तो आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ खाते रहना है. लाइक इन 2 आवर्स के ड्यूरेशन में आपको कुछ ना कुछ खाना है, बट दैट टू ऑलवेज हेल्दी. लाइक आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, आप मखाना खा सकते हो, आप चिवड़ा खा सकते हो. चिवड़ा एंड पीनट को आप लाइट रोस्ट करके रखिए, वो आप खाइए. वो एक बहुत अच्छा मंचिंग स्नैक है गाइज. आप प्लीज़ वो बिस्किट एंड नमकीन के बजाय वो खाना चालू करिए, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ वो बनाती हैं एंड मुझे चिवड़ा पर्सनली इतना पसंद नहीं है, बट वो मुझे सही लगता है यार. वो मेरे को मंचिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता है. लाइक मैं जाती हूँ तो मैं बिस्किट और नमकीन को कभी भी नहीं देखती, मैं वही खाती हूँ, मुझे वो पसंद है. सो इस तरह की चीज़ों को आप डेवलप करिए. आप अच्छी चीज़ें खाइए. बीच बीच में अगर आपके खाने की आदत है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप हेल्दी चीज़ें अपने घर पर बना के रखिए और उसे खाइए. सो कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगे. थोड़ा सुबह जल्दी उठिए,
वॉक पे जाइए, योगा करिए, कुछ भी करिए, हाफ एन आवर का एनी काइंड ऑफ वर्कआउट इज गो गुड एंड वेल एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड. So, ta-da!